हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप सभी? आप लोग के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट मिल रहा था और सभी प्लेयर्स के बीच एक न्यूज़ मिला है कि अल्टीमेट खोखो के सीईओ जो हमारे तेंजिंग नियोगी सर थे, वो अल्टीमेट खोखो के सीईओ रैंक जो था उनका, वो छोड़ चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्लेयर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या अल्टीमेट खोखो सीजन 3 आएगा या नहीं आएगा, क्या अल्टीमेट खोखो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्या दूसरा नया लीग अल्टीमेट खोखो के जगह पे आने वाला है। तो हमारे सभी प्लेयर्स जो इतने परेशान हैं, उनके लिए सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि अल्टीमेट खोखो कहीं नहीं जा रहा है। मतलब कि कोई भी कंपनी या फिर से कोई भी लीग होता है, उसमें ऑफिसर और उनके जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फिर से छोटे मोटे ऑफिसर, प्लेयर, ये सभी चीज़ चेंज होते रहते हैं। इट डजंट मीन कि जो आपका जो लीग है या फिर कोई बड़ा ऑफिस है या फिर वो कंपनी है, वो बंद हो जाएगा। सेम यहाँ भी अपना अल्टीमेट खोखो के सीईओ मिस्टर तेंजिंग सर, 2 सीज़न अल्टीमेट खोखो का बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट कराए। सभी हमारे सुधांशु मित्तल सर, एम एस त्यागी सर और बर्मन सर, जितने भी हमारे जो अल्टीमेट खोखो के बैकबोन हैं, उनके सपोर्ट से और उनके साथ, अभी अब वो स्टेप बैक हो गए हैं अल्टीमेट खोखो के सीईओ के रैंक से। आज मॉर्निंग में ही ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि हो सकता है तो हमारा, मतलब कि बोले तो अपकमिंग जो टूर्नामेंट्स है, जो बड़े वर्ल्ड लेवल पे होने वाले हैं, उसको देखते हुए कुछ बड़े अपडेट आने हैं। वो सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ पर अपडेट आने वाला है आज। वो अपडेट ये रहा कि तेंजिंग नियोगी सर सीईओ के रैंक जो अल्टीमेट खोखो पे था उनका, वो छोड़ चुके हैं। अभी अब कोई दूसरे ऑफिसर आएंगे जो अल्टीमेट खोखो के सीईओ रैंक पे आएंगे। हो सकता है कुछ न्यू बदलाव किया जा सकता है गेम पे, कुछ नए जगह पे ब्रॉडकास्ट किया जाए कुछ नए फॉर्मेट से। लेकिन हमारे प्लेयर्स जितने भी हैं, जो आप लोग थोड़ा सा वो क्या बोल सकते हो उसको, नाराज़ थे या फिर से आप लोग थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि क्या इसका सीज़न 3 या फिर से अल्टीमेट खोखो का लीग रहेगा कि नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अल्टीमेट खोखो कहीं नहीं जा रहा है। अल्टीमेट खोखो का लीग वहीं का सेम जैसे हो रहा था होते रहेगा। हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी फ्रेंचाइज थे, वो सभी रहेंगे, बस ऑफिसर चेंज हुए हैं। तो उम्मीद करते कि आप लोग तक जो हमारा मैसेज था वो पहुंच चुका है कि अल्टीमेट खोखो सीज़न 2 तक हुआ था, 3 भी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली अल्टीमेट खोखो सीज़न 3 नाम ही रहे इस सीज़न 3 का, या फिर हो सकता है कुछ नए बदलाव के साथ, कुछ नए प्लेटफॉर्म पे, कुछ नए नाम के साथ और कुछ नए फॉर्मेट से इसको दिखाया जाए। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म था अपने टैलेंट को शो करने का, अपने आप को प्रूफ करने का, और सबसे मेन बात खोखो को एक नए प्लेटफॉर्म देने का, मतलब कि खोखो को पूरे दुनिया के सामने दिखाने का, वो कहीं नहीं जा रहा है। ये अल्टीमेट खोखो हो या फिर से कोई दूसरा भी लीग का नाम ही क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन हमारे प्लेयर्स के लिए जो एक प्लेटफॉर्म था वो रहेगा। आई थिंक आप सभी का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है आज के रिगार्डिंग, और उम्मीद करते हैं कि अब जो भी आप लोग टेंशन में थे वो टेंशन में ना रहें। बहुत सारे प्लेयर्स का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि क्या सच में अब सीज़न 3 आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन थे। सबसे सिंपल आंसर है इसका कि आप लोग को खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला था वो रहेगा और आप लोग भी खेलते रहोगे। हमारे साथ अभी जितने भी सीनियर प्लेयर जो अल्टीमेट खोखो से खिलाड़ी रह चुके हैं और खेल रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी प्रज्वल सर, अश्विनी सर, जो कि अश्विनी सर के बारे में बताना चाहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम बिहार, और हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर जो देख रहे हैं, वीरू भाई जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, और जितने भी सीनियर्स, जूनियर्स और अपकमिंग जो एथलीट है वो देख रहे हैं, उन सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, शुभ संध्या और
बेसिक में आप लोग को समरी ये बताना चाहेंगे कि हमारे अल्टीमेट खोखो के सीईओ तेंजिंग नियोबी सर जो थे अपने पद जो उनका था सीईओ का उससे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्टीमेट खोखो बंद होने जा रहा है। अल्टीमेट खोखो होते रहेगा, हो सकता है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, हो सकता है कुछ फॉर्मेट चेंज हो सकता है कहीं दूसरे जगह पे ब्रॉडकास्ट किया जाए, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप लोग को जो एक प्लेटफॉर्म मिला था वो रुकने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। ओके, तो ये था आज का शॉर्ट समरी में अपडेट, जो कि हम सभी प्लेयर्स तक पहुंच जाए और पहुंचाना हमारा काम था तो आप तक पहुंचा दिए हैं। होप आप सभी अच्छे होंगे और ये न्यूज़ सुन के आप लोग थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, मतलब कि बोल सकते हो उसको कि जान में जान आ गया होगा अब। ओके, तो और भी कोई प्लेयर जिनका कुछ डाउट है तो फिर बात कर सकते हैं। अल्टीमेट खोखो कब है? अल्टीमेट खोखो आपका एक महीने बाद से होगा, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर लास्ट या नवंबर से स्टार्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ये हमारा एस्टीमेशन है। ये गेस कर पा रहे हैं कि हो सकता है तो नवंबर में स्टार्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। यस, 11 संघ के प्लेयर जो वहाँ पे HPC ओडिशा पुरी में है वहाँ हम लोग मिले थे और बहुत ही अच्छा लगा था हमें आप लोग से मिल के बातचीत करके, और हम लोग खूब बातचीत किए थे, मस्ती भी किए थे। तो ये था आज का अपडेट जो हमने सभी प्लेयर्स तक पहुंचा दिया है। तो इसी के रिगार्डिंग ऑल ओवर समरी ये है कि हमारे CEO सर सिर्फ इस्तीफा दिए हैं, अल्टीमेट खोखो कहीं नहीं जा रहा है। अल्टीमेट खोखो आप लोग का जो प्लेटफॉर्म था खेलने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए, गेम को आगे बढ़ाने के लिए, वो एज यूजुअल अल्टीमेट खोखो लीग रहेगा। तो इसी के साथ आज का लाइव सेशन को बंद किया जाएगा। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े दिलराज सिंह सेंगर सर, नमस्ते सर। और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे, मतलब एक बैड न्यूज़ पहले बोल देते हैं कि हमारे CEO तेंजिंग नियोगी सर थे वो इस्तीफा दे चुके हैं अल्टीमेट खोखो के CEO से, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अल्टीमेट खोखो चलते रहेगा, कोई भी लीग बंद नहीं होने जा रहा है। सब प्लेयर सब थोड़े परेशान हो गए थे तो परेशान नहीं होना है। थैंक यू ममता ऑफिशियल 02, बहुत बहुत धन्यवाद आपके गुड विशेस के लिए। हाय शरद, याद है भाई हमें, हम लोग मिले थे वहाँ पे पुरी में और बहुत सारे बातचीत किए थे। मिलिंद सर नमस्ते सर, वही अपडेट था जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन लोग तक पहुँचाना थे कि जब हमारे CEO सर जो है वो अपना इस्तीफा दिए हैं, इट डजेंट मीन कि अल्टीमेट खोखो बंद होने जा रहा है। सिंपल इसका मतलब है कि वो अपना जो उनका टेन्योर था वो ख़त्म हो गया है, कोई दूसरे प्लेयर मीन्स कोई दूसरे ऑफिसर उनके जगह पे आएंगे और फिर उसके बाद अपना अल्टीमेट खोखो या तो सेम नाम से या फिर थोड़ा सा आप नाम चेंज करके, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए इसलिए कुछ पता नहीं हमें, लेकिन आप सभी प्लेयर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म रहेगा और खोखो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, जो एक प्लेटफॉर्म मिला था वो चलते रहेगा। तो इसी के साथ आज के लाइव सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।